उसके सारी पॉलिसी को विद यूजर ऑथेंटिकेशन चेक करता है, क्योंकि नैब की इंटरेक्शन किसके साथ है? नैब की एडी के साथ है, नैब की किसके साथ है? डीएसपी के साथ है, नैब की डब्ल्यूएचएस के साथ है, नैब की किसके साथ है? सीए के साथ है, ठीक है, हर एक के साथ उसकी होती है, क्योंकि जितने भी आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है हर एक के उसके साथ लिंकअप होता है। मगर सबसे पहले वो नेटवर्क कॉन्फिगर चेक करेगा, उसके बाद सबस्ट्रक्चर समझेगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नैब का भी काम की नैब नहीं है ना, नैब अगर नैब पर अगर मैं दिखाऊँ नहीं, अगर अगर जब नैब को कंफिगर कर दें तो उस पर हर एक पैरामीटर हमने डिफाइन किया होता है। मैं एग्री कर रहा हूँ कि सर आपने जब डिस्कशन शुरू हुई वो सिर्फ एक एक्सप्लेन करने के लिए, वो डायग्राम थ्रू रेपुटेशन को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बात की थी। वैसे वो हर पॉलिसी वाला चेक करता है, वो ये भी चेक करता है कि ये मेरे इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। मेरे आप ही सकते हैं या स्कूल के अंदर आ भी सकते हैं, नेटवर्क के बाद सारे स्टेप्स होने चाहिए। अगर मैं आपके सबसे पहले वो चीज़ शुरू की तो मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, नैब की ना सबसे पहले जब यहाँ से उसने क्रॉस यहाँ से इन होता है तो सबसे पहले इंडिकेशन नैब को पहुँचता है। नैब को पहुँचता है तो ये चेक करता है कि ये मेरे पूल का है कि नहीं है, अगर पूल आएगा ठीक है, फिर उसके बाद उसकी नेटवर्क पॉलिसी चेक की जाती है, फिर ग्रुप पॉलिसी आपकी सारी चेक होती है ठीक है, फिर उसके बाद वो एनडी से भी वेरिफिकेशन सारी पूछ रहा होता है। इवन ग्रुप पॉलिसी आप एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, नेटवर्क पॉलिसी की बात कर रहे हैं? नेटवर्क पॉलिसी ग्रुप पॉलिसी दोनों उसमें ऐड होती है। ग्रुप पॉलिसी तो इंडिया पार्ट नहीं होती, नैब के अंदर सारी एनडी की कॉन्फिगरेशन का सिंक होती है इनकी। अच्छा, और उसमें की सिंक्रोनाइजेशन होती है। तो एनडी का क्लाइंट है, क्योंकि देखिए हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिविटी चल रहा है, वहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस का चल रही है ठीक है, डीएसपी सर्वर चल रहा है, वीपीएन सर्वर है, सीए सर्वर है, डब्ल्यूएचएस सर्वर है, और भी 10-12 सर्वर जो भी है, हर एक इंडिकेशन आप उसको पार्ट्स के बनाना चाहते हैं नैब ठीक है। नैब क्या है, एक हेड की तरह काम करेगा, वो एक पूरी बाउंड्री लगा देगा, जब उस बाउंड्री में जो भी एंटर होगा सबसे पहले नैब उसको इंडिकेशन देगा कि तुम्हें मैं अलाउ करता हूँ या नहीं करता ठीक है। वो हर एक चीज उसकी स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप चेक करेगा, जहां भी उसे गड़बड़ लगी वो उसको वहां पर डिस्कार्ड करते हैं। समझ लीजिए इसका, क्योंकि इसमें आपकी नेटवर्क पॉलिसी भी चेक हो रही होती है ठीक है, वो सर से उसमें आरे डिजाइन है और ठीक है, बस इसको जितना मैं ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँ उसको कर सकते हो, लेकिन कम ऑर्गेनाइजेशन आप बड़ी बात है पाम बड़ी आ जाती है कि शायद हमारे पाकिस्तान में कोई इस लाइन में काम करते हैं, लेकिन मैं अगर पूरा कंफिगर कर दो ना तो आप अपने नॉर्मल यूजर के लिए उसकी जिंदगी को बाहर जाने वाला इसके अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। इसके अंदर उन्होंने एक स्टेप उसका चेक करा था उसका कर रहा और आपका जो नॉर्मल इंटरनेट है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू बहुत सारी चीजें हमने उसको जरा कस्टमाइज करवाया, रेडियो सर्वर को तो यूज कर रहे हैं, तो कुछ सर्विसेज भी उन्होंने बनाई है हमारे गवर्नमेंट ने, वो हार्डवेयर लेवल तक भी चेक कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट सीरियल नंबर, हार्ड डिस्क का सीरियल नंबर, रैम का, सीपीयू का, इवन अगर वो भी चेंज होता है तो वो भी उसको मैसेज दे अलार्म जनरेट करे कि इसका सीपीयू रैम या हार्ड डिस्क चेंज हो गया। वो जो रेडियो से चेक करता है वो एप्लीकेशन रेडियस में हार्डवेयर लेवल की नहीं थी, उसी एप्लीकेशन में जहाँ हम रेडियस की सर्विस दे रहे थे वहाँ पे हमें एक विंडो सर्वर अपनी भी बनाना पड़ा इस काम के लिए, हार्डवेयर को भी वेरी नीड होता है। तो अच्छी चीज़ है या मसला नहीं, अच्छी चीज़ है। उससे पहले हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे थे ओडेसी इसी काम के लिए, उसमें भी ये चीज़ें उसमें हार्डवेयर लेवल की नहीं थी, लाइसेंस बेस्ड थी, बड़ी क्लासिक सर्विस थी, वो फंक्शन हम अपना बना रहे हैं।
सर इसका क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा था आपसे कि क्या 20 सेंट के अंदर हमारे कोई अनोन आईपीएस आ सकते हैं इस आपने कहा कि उसके अंदर हमारे पास ये वैसे भी पूरी है वैसे भी कुछ नहीं है जैसे अगर कोई अनोन आईपी आजकल सिर्फ हमारी नींद आराम नहीं की हमारी मैनेजमेंट की भी हुई है नहीं मैं सर मैं इस परस्पेक्टिव से देख रहा था और ये फार आपका आंसर है ये कि इसमें ऐसा नहीं है नहीं मैं उसमें नहीं है मैं उसे जब जो बाकी हमारे जो है ना सिक्योरिटर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर की पार्ट्स हैं बाकी उन जो एक्टिव लाइब्रेरी के अंदर हमें नजर नहीं आया उसके बाद मैनेजमेंट जो हमारे कंसोल हैं कोर्स हैं जो सर्वर हैं वहाँ पर नजर नहीं आया इवन नेटवर्क के ऊपर भी नजर नहीं आया है कहाँ आपका आइडिया यार आपको देखना पड़ेगा उस चीज़ को कि वो ये सर आप जैसे स्ट्रीम ले रहे हैं ये क्रिटिकल इसलिए सर थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ क्रिटिकल इसलिए कि जो अभी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस डिवीजन वाले का और ये कि हमारे इंटेलिजेंस डिवीजन वाले जो सेकंड लेयर में बैकअप में खड़े हुए हैं वो आई एस आई वाले तो डर ये लग रहा है कि अगर ये इस लेयर को हम सेटिस्फाई न कर पाए या इस तकनीक को हम न कर पाए रात तक का दिन उनका जो टारगेट है डेस्टिनेशन वो हमारे और उसके लिए जो पैकेट कैप्चरिंग नहीं क्या यूज कर रहा है वो ब्लैकलिस्ट वो यूज कर पैकेट कैप्चरिंग नहीं अलाउड वो ब्लैकलिस्ट हमारे बाकी हमारे पास जो